अरे अलग करो देखो गाड़ी में डालो उसे। मैं कह रहा हूँ हाथ उठाए नहीं, अब वकील भाई बैठे हैं उनको यू कर दिया। जब 500 रुपए देने की बात है, चलो हटो, ये कर रहा था मैं, चश्मे दी तू, मैं सामने वही हूँ, वो सामने इतनी देर में उस लड़के ने घुसा मारा है। वो निकाली उसकी हवा तो बोलने लगे कि नहीं नहीं, मतलब इसी सर से बदतमीजी करने लगे सच्चे साहब से। फिर है ना सर को साइड में उनके फादर ने कहा कि इधर आइए आप, इधर आइए। मैं खुद देख रही थी, अनाउंस कर रही थी, बराबर से मेरी निगाह थी। तो सरीर साहब परसों जामे में घटना हुई, पुलिस के साथ हाथापाई का मामला हुआ है, जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। बताइए क्या घटना थी, आप उस घटना स्थल पर मौजूद थे, तो क्या देखा आपने? देखिए मैं वहीं मौजूद था, बदलाव चौक की बात है ये परसों की, और ये आठ बजे का टाइम था। हम वहाँ खड़े थे, आराम से बातचीत कर रहे थे, इतने में एक साउंड आता है बुलेट मोटरसाइकिल का, भड़ाक देसी आवाज़ आती है। तो इतने में SHO साहब ने देखा कि कोई बुलेट पे साउंड मार रहा, देखो इसे, तो उस बुलेट को उसी टाइम देखा गया और रोक लिया। जब SHO साहब ने उतर करके उनको उतार के दोनों को जब उसका ट्राई करी, टेस्ट किया, तो इतना बड़ा भयंकर साउंड था कि मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, तो आसपास की जो पब्लिक थी ना वो भी चौंक गई, देखने लगी ये क्या हो गया। उसके बाद SHO साहब ने उस लड़के को बोला कि आप इस बाइक को, अब ये थाने में जाएगी और ऐसे ऐसे बात है। तो बड़ा वो दिखाने लगा घमंड टाइप में कि तुम कौन होते हो और ये तो चालान ही काटोगे और इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तुम्हारी हिम्मत नहीं है इस साइलेंसर को निकालने की भी, तो इस तरह से वो बोला। और उसी कुछ देर के बाद उस लड़के के जो फादर है वो भी आ जाते हैं, मगर उनको ये बड़ी गलती करी कि उन्होंने अपने बेटे के सुर में सुर लगा मिलाया। और SHO साहब ने उनको समझाया कि आप डॉक्टर हैं, आपको ऐसी बात नहीं करना चाहिए, आप अपने बेटे की सपोर्ट ले रहे हैं, ये गलत चीज़ है। तो कह लगे क्या हो गया, दुनिया लगाती है। तो इसी वजह पर ये बातें बढ़ती चली गई। तो जब ये मोटरसाइकिल थाने में जमा कराने की बात आई तो उस टाइम ये लोग आगे खड़े हो गए और 500 रुपये निकाल करके देने की उसने SHO साहब को कोशिश की। तो ये बताइए कि वो आदमी कैसा होगा, उन्हें शर्म नहीं आती? अगर वो डॉक्टर हैं तो उन्हें ये देखना चाहिए था कि गलती गलती है, और वो बात अगर सॉरी बोल देते हैं, SHO साहब को ये कह देते बच्चे ने गलती की है, मैं बच्चे से भी माफ़ी मंगवा देता हूँ, तो ये बात इतनी नहीं होती। इसी बात पर SHO साहब ने उसके फादर को हाथ से एक तरफ कर लिया, और इतनी देर में उस लड़के ने जो आसिफ है उसने एक यहाँ पे मुक्का मार दिया, तो जो उन्होंने चश्मा पहना हुआ था वो भी गिर गया था। वो हमारे अरशद बैठे हुए हैं, इन्होंने वो चश्मा जो बैंड भी हो गया था और अच्छी लगी थी उनके चोट, तो इन्होंने बाद में उठा के चश्मे को दिया। तो ये सराहनीय, बहुत ही इतनी घटिया किस्म की सोच वाले हैं कि जिन्होंने इस तरह की पुलिस के ऊपर हमला किया है। अरे पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, पुलिस हमारे रहबर है, पुलिस हमारा कोई भी बात होती है हम सीधा पुलिस में जाते हैं, अब पुलिस के साथ तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ये गलत है। जो लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस ने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, अरे पुलिस ही सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए खड़ी हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि पहले पुलिस वालों ने बाप के ऊपर हाथ उठाया, तब जाके बेटे ने हाथ उठाया। मैं कह रहा हूँ हाथ उठाए नहीं, अब वकील भाई बैठे हैं उनको यू कर दिया। जब 500 रुपए देने की बात है, चलो हटो, ये कर रहा था मैं, चश्मे दी तू, मैं सामने वही हूँ, वो सामने, इतनी देर में उस लड़के ने घुसा मारा है। लड़के की सारी गलती थी, और लड़का पता न इतना वो दिखा रहा था कि मैं जाने कितना, हाँ दबंगई दादागिरी। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें साइलेंसर एक वो बीमारी है जो इनसे बच्चे क्या बड़े बूढ़े जो हार्ट पेशेंट हैं वो सब डर जाते हैं और इससे बहुत नुकसान होता है। मैं सारे ओखला क्षेत्रवासियों से कहूँगा कि जितनी भी बाइक हैं आपके पास, मेहरबानी करके हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने साइलेंसरों को मॉडिफाई ना कराएँ। ये सर कहाँ का मामला है? ये बटलाहौज चौक का मामला है। और मैं एक बात बताऊंगा, ओखला हेड के ऊपर नरपाल सिंह SHO साहब ने 100 बाइक से आसपास पकड़ी थी, एक भी घटना नहीं घटी, किसी ने कोई बोला नहीं, वहाँ मीडिया भी थी, सभी लोग थे वहाँ, लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने सहयोग किया है, समझे हैं, मगर वहाँ इतनी घटने, अरे भाई तुम्हें घटना घटाई इतनी बड़ा तुमने पुलिस के ऊपर हाथ उठाया है, अरे पुलिस क्या है, पुलिस सब कुछ है,
पुलिस का हम सब लोगों को, आवाम को पुलिस के साथ जुड़ के रहना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए हर तरह का, तभी पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए। और पुलिस रात हर दिन पतली पतली गलियों में साउंड वो रोंड लगा रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, हम लाउड स्पीकर लेके घूम रहे हैं, क्या पुलिस तुम्हारी सुरक्षा के लिए तो है ये? वकील साहब, जैसे कि रात के 12 बजे हमें देखने को मिलता है कि कुछ लड़के बाइक पे 3 बैठते हैं, 2 बैठते हैं और पटाखे की आवाज़ और जामिए पे दौड़ाते रहते हैं बाइक। मैं आपको एक बात बता दूं, इलाके के अंदर ये बुलेट जो 45 होकर जो रातों को निकलती हैं और भरे बाजारों में जो बजाते पटाखे जाते हैं, ये गलत है। और जब ये शिकायत इलाके के लोगों ने जामिया नगर एचएचओ साहब को भी करी थी तो उस पर एक अभियान चलाया उन्होंने, वो अभियान महीनों से बराबर चल रहा है और शाम के टाइम ट्रैफिक की बहुत तगड़ी समस्या है। तो जामिया नगर की पुलिस सब गश्त भी लगाती है, ट्रैफिक को भी खोलती है, इलाके के में अंदर भी जाती है। तो ये वारदात 26 तारीख की वारदात है 8:30 बजे की, और ये समाज सुधार जो टीम है, सगीर भाई हैं इसके प्रेजेंट, ये जब दिल्ली पुलिस गश्त लगाती है इनकी पूरी टीम मौजूद रहती है वहाँ पर, और मौजूद रहने के बाद ये काम भी करते हैं, समाज का काम करते हैं। जब इनकी वीडियो देखी, आज मैं इनके ऑफिस पे आया और आन के मैंने पूछा कि सगीर भाई तुम तो वहाँ मौजूद थे और वहाँ हुआ क्या? जब सगीर भाई ने ये बताया कि हम वहाँ मौजूद थे, वो कहते हैं ना, माँ बाप ही बच्चे को सुधारते हैं और माँ बाप ही बच्चे को बिगाड़ते हैं। तो बच्चा बाप की अकड़ में सामने वाले को नहीं देख रहा कि सामने वाला अधिकारी कौन खड़ा है, पुलिस प्रशासन के आदमी खड़े हैं। पुलिस काय के लिए होती है? सेवा के लिए। ये हम लोगों की तो सेवा करते हैं, जनता की तो सेवा करते हैं। अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो कहाँ जाते हैं? थाने चौकी में अपनी समस्या लेकर। से ये क्या मैसेज जा रहा है? गलत मैसेज जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखा रही है इस चीज़ को कि जामिया में इस तरह से घटना हो रही है। देखो, जामिया में यहाँ पर ये हमारा ओखला बहुत अच्छा है, पढ़े लिखों का है, और एक है हमारी जामिया की यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ पढ़े लिखे भी रोक लेते हैं। हर समाज के अंदर कुछ चंद लोग गलत भी होते हैं, मगर इस जामिया को सब में तो नहीं घेरा जाएगा ना, मगर जो इंसान गलत है उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए, और आगे को जो लोग गलत हैं उन पे एक मैसेज भी जाना चाहिए, अगर हम किसी गलत व्यापार से हम गलत एक्शन ले करेंगे तो उसको दंड दिया जाएगा। तो जामिया नगर के एचएचओ साहब तो जब से यहाँ से यहाँ उन्होंने पोस्टिंग करी है, इसी पे अभियान पे काम कर रहे हैं वो, कभी ट्रैफिक को लेके, कभी मार्केट में को लेकर, कभी यहाँ पर बैटरी रिक्शा वालों के लिए, कभी नशा मुक्त के लिए। ये अपनी जमुना के अंदर पूरे क्षेत्र के अंदर सारे नशेड़ी हैं, जहाँ पर ये रात को 12-12 एक एक बजे जो जामिया की पुलिस, मीडिया, पत्रकार और ये समाज सुधार, ये सारे मिलकर और एक अभियान चलाते हैं। ये ओखला की आवाम को दिखता नहीं है, मीडिया के माध्यम से ये मेहनत करते हैं किस लिए? हमारे बच्चों के लिए, हमारे मिलने जुलने वालों के लिए। जनाब ये बताइए, जिसने हाथ उठाया था, हाँ, पे क्या कार्रवाई हुई? कुछ देखो, कार्रवाई ये हुई, पुलिस ने FIR करी, जो धाराएं लगती हैं वो धाराएं लगाई, और दोनों और बाप को, दोनों को जेल भेज दिया है। अच्छा। और आपके चैनल से यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी ये बुलेट है ना, मार्केट के अंदर एक आदमी ठीक नहीं आता, बुज़ुर्ग भी आते हैं, बीमार भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं। आजकल ज़्यादातर देख रहे हैं जवान बच्चों को अटैक आ रहा है, 30-30 साल 40-40 सालों के अटैक आ रहे हैं, यहाँ बुज़ुर्ग है। अब वो पटाखे की आवाज़ ऐसी होती है जैसे कोई बम फाड़ दिया हो। तो बम फाड़ने का मतलब है, अगर वो भरी मार्केट के अंदर अगर वो पटाखा बजाएगा और किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? तो ये कल को फिर वही प्रशासन के पास जाएंगे। ये समाज सुधार की टीम ये बढ़ चढ़ कर ये नशे के ऊपर, जाम के ऊपर जो ये काम करती है, किस लिए करती है? हमारा क्षेत्र सुधर जाए, हमारे लोग को समझ में आ जाए, तो यही अभियान है। मगर जो हरकत की है उस हरकत की मैं निंदा करता हूँ, और मैं तो यही चाहूँगा उस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, न्याय कोर्ट में भी उसको आगे से उसको देखकर कोई ये कदम ना उठाए। लेकिन एक मिनट, लेकिन वकील साहब ये बताइए ना, पुलिस का भी कोई हक नहीं है किसी के ऊपर हाथ उठाने का? अगर पुलिस का हक नहीं है, ये सगीर साहब मौजूद थे वहाँ पर,
सगीर साहब मौजूद थे और वहाँ पर खड़े हुए होने के बाद जब वो पटाखा बजा, जैसे ये कहते हैं ना बम फटा, बम फटने के बाद एकदम आदमी का ध्यान जाता है ना ये क्या हुआ। जब उसको देखा जामिया नगर के जिसों ने उसको सिपाही को भेजकर उसको बुलाया, बुलाने के बाद और उसके साइलेंसर को देखा तो बात करी, मगर वो तोड़ता अपने बाप के में, घमंड था अपने बाप का। मगर ये भी नहीं होना चाहिए पुलिस प्रशासन कभी भी, आप गलत को किसी को करने वाले को मारेगा, नाजायज़ को कभी नहीं मारेगा। अगर आप मारेगा तो आप हमें उसकी वीडियो दिलाइए, दिखाइए हमें। मैम क्या कहना चाहेंगे, आप उस टाइम मौजूद थे? जी मैं वो कई वारदात पे मौजूद थी और मैं यही कहना चाहूँगी जितने भी आरोप लग रहे हैं सब गलत हैं, जो अभी हमारे सर ने बताया बिल्कुल हकीकत है। मैं तो खुद एसएचओ साहब के बिल्कुल बराबर में खड़ी थी, अनाउंसमेंट कर रही थी उसी टाइम में, जिस तरीके से सर ने बताया कि बाइक आती है उसमें दो बंदे उतरे थे, तीसरे शायद इसके फादर ही थे, इतनी जल्दी तो आ नहीं सकते घर से, उसी टाइम में वो आ गए थे। तो जैसे ही उन्होंने बाइक को सीज किया और वहीं पर ही रोकी, उसके बाद फिर उन बंदों को बोला कि ये मतलब वो निकाली उसकी हवा, तो बोलने लगे कि नहीं नहीं मतलब ऐसी सर से बदतमीजी करने लगे एसएचओ साहब से। फिर है ना सर को साइड में उनके फादर ने कहा कि इधर आइए आप, इधर आइए, मैं खुद देख रही थी, अनाउंस कर रही थी, बराबर से मेरी निगाह थी, तो उनको शायद कुछ वो देने लगे थे। तो एसएचओ साहब के एक हाथ में तो डंडा था और एसएचओ साहब ने यूँ करा कि तुम ये करते हो, इतने में क्या बोलते हैं, उसने ही सोचा कि मेरे फादर को मार रहे हैं, उनने एसएचओ साहब को चाचा जड़ दिया चोर से और उनका चश्मा भी गिर गया और एकदम उनके मतलब ब्लड सा यहाँ निकलने लगा। ये मौजूद था, इनने चश्मा उठा के दिया, ये भी हमारी टीम का बच्चा है। उसके बाद जो खड़े थे तो पुलिस वाले थोड़ी ही खड़े रहेंगे, वो फ़ौरन आए एसएचओ साहब को बचाने के लिए, तो उन पर भी उन्होंने हमला करा आपस में और हमने सबने समाज सुधार की पूरी टीम थी, हमने घेरा बनाया एक पब्लिक को, मैं मेरा अनाउंसमेंट आप किसी भी वीडियो में देखना बराबर से चालू था कि कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आए। यंगस्टर को देखा जाता है यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से बाइक चलाते हैं, पुलिस वाले कंट्रोल करने के लिए ही आते हैं यहाँ पर जी, मोहल्लों में कोई एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए, अगर ऐसा कर रहे हैं तो पुलिस वाले की क्या गलती है इसमें? पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है, ये तो जो बाइक चला रहे हैं उनकी गलती है। क्यों लगाते हैं आफ्टर मार्केट साइलेंसर? हम इतना अवेयर करते हैं, मैं 5-5, 6-6 घंटे बूथ पे से अनाउंसमेंट करती हूँ कि कोई भी व्यक्ति आफ्टर मार्केट साइलेंसर का यूज़ ना करे कि आपका जब्त कर लिया जाएगा वाहन। तो सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे आगे लड़के जो है आजकल? बस कहते हैं ना पढ़े लिखे, ज़्यादा ही पढ़े लिखे होते हैं, इससे तो मैं जो अनपढ़ होते हैं उन्हें अच्छा समझती हूँ, वो गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और ये नहीं कर पाते। भाई ये बताइए, आप इस थप्पड़ की वजह से जैसा आपने देखा मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखा रही है आपको, तो जामिया पे बदनाम हो रहा है, मैं जब ये खड़ा हुआ था साहब के साथ, जब साहब ने बाइक रोकी थी ना उसकी बुलेट, तो साहब ने बोला उससे कि आप दोनों उतर जाओ, इसको यू टर्न करो और इसको स्टार्ट करो बुलेट को। जब बुलेट स्टार्ट करी तो उसमें भटभट की आवाज़ आ रही थी, तो वो कहने लगा मेरा बाप यहीं खड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा तुम अपने पापा को वहीं थाने बुला लेना और आप उतर जाओ, एक जना बैठ कर पुलिस वाले के साथ थाने पहुंचो, हम ही आ रहे हैं। जो वो फादर की बात कर रहे थे, उनके फादर क्या बड़े अधिकारी थे जिसके वो ध्वज दिखा रहे थे एसएचओ? ये तो पता नहीं, मगर बता रहे थे डॉक्टर है वो, फिर डॉक्टर जब उसके पापा आए तो 2-4 जने थे, उसके भाई 3-4 जने और भी थे उसके साथ, बच्चे को समझाने के बजाय पुलिस वालों पे ही लड़ पड़े उससे। हाँ जब मैं वहाँ मौजूद था ना तो साहब ने बोला, छुट्टी साहब ने ये बोला था एसएचओ साहब ने कि कोई हार्ट पेशेंट जा रहा हो या कमज़ोर दिल का जा रहा हो या किसी का कम सुनाई दे रहा हो, अगर उसके साथ अगर तुम सामने बुलेट जा रही है भड़बड़ की आवाज़ आएगी वो मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तो कह रहा साहब आप तो हम ही पकड़ लो, ये तो कभी हमने देखा नहीं ऐसा होता हुआ। तो साहब ने ये बोला उनसे कि ये तुम आज पर चला, ये गैर कानूनी है, ये अपराध है, आज तुम्हें पर चला, हमने कितनी बाइकें बंद करी हैं। तो ये बात करते करते वो उसमें जो फादर था वाइट शर्ट पहनने की थी वो साइड में ले गया, तो साहब को 500 रुपये रिश्वत दे रहा जबरदस्ती हाथ में ऐसे करके मुट्ठी बंद करके, तो साहब ने उसको साहब ऐसे उसने धक्का दिया, फिर साहब को धक्का दिया ऐसे करके, फिर उसका जो लड़का था बाइक शर्ट में वो सॉरी ब्लैक शर्ट में, उसका नाम है आरिफ बता रहे हैं वो, आसिफ, वो चढ़ के आया साहब के ऊपर, साहब के ऊपर जब आया ना तो उसने ऐसे घूसा मारा। कितने घूसे मारे थे? हम हमारे सामने एक ही घूसा मारा था, फिर साहब का चश्मा जो नीचे गिरा था ना वो चश्मा मैंने उठा के दिया था साहब को, फिर बहुत सारी भीड़ लग गई थी वहाँ पर। अच्छा। फिर सारे पुलिस वाले करके फिर उसको अंदर ले गए थे, गाड़ी में बिठा ला, फिर थाने ले गए थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।